हेलो एवरीवन, फाइनली जेई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। इनके पब्लिक नोटिस रिलीज कर दिए गए हैं कि एग्जामिनेशन कब से होगा, कब से फॉर्म फिलअप होगा, तो उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले फॉर्म कौन कौन से बच्चे फिलअप कर सकते हैं, तो जो भी बच्चा, पहले एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट सारे बच्चे एग्जामिनेशन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है। लेकिन दूसरी बात यहाँ देख सकते हो आप, जैसा कि द कैंडिडेट हु हैव पास, यहाँ देख सकते हो द क्लास 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2020 2021 और अपेयरिंग इन 2022 इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज कैन अपेयर इन जेई मेन 2022 एग्जामिनेशन। यानी कि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, जो भी बच्चा क्लास 12th 2022 में अपेयरिंग है यानी कि एग्जामिनेशन देने वाला है वो अप्लाई कर सकता है। 2020 में क्लास 12th एग्जामिनेशन दिया है या फिर 2021 में क्लास 12th एग्जामिनेशन दिया है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है इस फॉर्म को। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो ईयर ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जिन बच्चों ने 2020 में, 2021 में और 2022 में क्लास 12th एग्जामिनेशन, जो 22 में अपेयरिंग है वो तो दे ही सकता है, और 2020 या 2021 में पास आउट है वो इस एग्जामिनेशन को दे सकता है। इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट अगर क्लास 12th या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 2019 या फिर 2023 में पास करेगा या फिर 2019 में पास कर चुका है वो इस एग्जामिनेशन को नहीं दे सकता। अब रजिस्ट्रेशन किस तरह से करेंगे, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, सिंपली रजिस्ट्रेशन के लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिंक क्लिक करते ही आप यहाँ पे आ जाओगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास दिए जाएंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन आप एक बार पढ़ लेना। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे फीस के बारे में बताया गया है, उसके बाद ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, ठीक है। सारे डिटेल में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, वैसे एक और वीडियो में ला रहा हूँ, इसमें और भी डिटेल में आप सभी को डिटेल शेयर करने वाला हूँ, सिंपली टिक कर देना। उसके बाद यहाँ देख सकते हो पर्सनल डिटेल, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम है, प्रेजेंट एड्रेस के तो यहाँ पे टिक कर देना। चूज पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आप होम के बटन पे यानी कि रजिस्टर कर लोगे तो ओटीपी आएगा, वो वेरीफाई करना होगा। देन उसके बाद एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन साइन करके आप एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन फी पे कर पाओगे। तो ये तो हो गया इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा एग्जामिनेशन डेट्स के बारे में बात करें तो अप्रैल का जो एग्जामिनेशन है आप देख सकते हो 16, 17, 18, 19, 20, 21 अप्रैल को है, और मई का जो एग्जामिनेशन है वो है आपका 24, 25, 26, 27, 28, 29 मई को एग्जामिनेशन होंगे। 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और एक चीज यहाँ पे और है, पैटर्न तो सेम है लेकिन आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में निगेटिव मार्किंग है। अब देखो सेक्शन बी में आपको नियरेस्ट इंटीजर तक आपको आंसर लेके जाना है, अगर नियरेस्ट तक है तो राउंड अप कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप गलत करते हो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में तो वहां पे निगेटिव मार्किंग है। 2021 में निगेटिव मार्किंग नहीं था लेकिन 2022 में निगेटिव मार्किंग है। टोटल 2 पेपर होंगे आपके, जैसे कि आपको पता है पेपर 1 आपका बीई बीटे का होता है, पेपर 2 ए आपका बी आर का होता है, और पेपर 2 बी बी प्लानिंग का होता है। बीई बीटेक में आपके 90 क्वेश्चन होंगे, पेपर 2 ए में बी आर में आपके 82 क्वेश्चन होंगे, और पेपर 2 बी में बी प्लानिंग में टोटल 105 क्वेश्चन होंगे। टाइमिंग आप दे सकते हो, 2 शिफ्ट में आपके एग्जामिनेशन है। फर्स्ट शिफ्ट आपका 9 AM to 12 PM और सेकेंड शिफ्ट आपका 3 PM to 6 PM के बीच में है। इसी तरह से पेपर 2 ए बी आर के लिए भी है 9 AM to 12 PM और 3 PM to 6 PM। बी प्लानिंग के लिए 3 PM to 6 PM के बीच में ही एग्जामिनेशन होगा, तो इस बात का ध्यान रखना। और यहाँ पे और सारे इन्फॉर्मेशन है देख सकते हो। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में लिखा गया है ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म इज टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट फॉर ईच सेशन, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट बाय कैंडिडेट फॉर द सेम सेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड एट एनी कॉस्ट। एक एप्लीकेशन फॉर्म एक सेशन के लिए आप फिल कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी बातें दी गई है। एग्जामिनेशन फीस के बारे में मैं आपको बता दूं, एग्जामिनेशन फीस के बारे में मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बताया, तो यहाँ पर जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस के बारे में बता दिया जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे 650 रुपीज और 325 रुपीज, और एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 325 और फीमेल के लिए भी 325 है। इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए देख सकते हो 3000 और 1500 है। डॉक्यूमेंट यहाँ पे देख लो, ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। देन उसके बाद करेक्शन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।